राजस्थान के नए अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो राजस्थान रिफाइनरी वैकेंसी के बाबत में है, जो अभी राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी चल रही है अपने पास में, तो उसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी अगर देखें तो टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है। टेक्निकल के अंदर अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स की यहाँ पे वैकेंसी है, मैकेनिकल, सिविल और आपका इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। बाकी अगर अपन बात करें नॉन टेक्निकल तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसियाँ माना जा रहा है कि राजस्थान रिफाइनरी के द्वारा पहली बार निकाल ली जा रही है। ये रिफाइनरी अगर अपन बात करें तो HPCL के द्वारा ये चलाई जा रही है और एक PSU का उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर आपका अंडरटेकिंग ये रिफाइनरी है। मतलब कंप्लीटली आप लोग कह सकते हो कि ये आपका जो प्रक्रम है रिफाइनरी का, ये गवर्नमेंट है और राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन ये कार्य करता है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, जिससे आपको हर डिटेल यहाँ पे क्लियर होएगी। ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 मार्च से 24 मार्च के मध्य यहाँ पे आप लोग भर सकते हो। तो अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है तथा इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो ये अपन डिस्कस करेंगे वीडियोज़ के अगली स्लाइड्स में। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख, तो ये आपके पास में जो नोटिफिकेशन है अभी, जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा जो पब्लिश हुआ है और राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन ये जो रिफाइनरी है, तो उसके अंदर जो पहले बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये रिफाइनरी के अंदर जो वैकेंसी करने जा रहा है, तो इसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो अपन इस नोटिफिकेशन के जरिए कंप्लीट डिस्कस यहाँ पे समझेंगे कि इन वैकेंसियों में किस प्रकार की क्वालिफिकेशन तथा इनकी लास्ट डेट क्या होगी, किस प्रकार से अपन को आवेदन करना पड़ेगा तथा किस प्रकार के आवेदन के लिए किस प्रकार की ग्रेजुएशन अपन को आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको सामने जो स्क्रीन है वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेन स्क्रीन पे ये आपके पास में है, जिसके अंदर पहला डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फायर सेफ्टी, ये आपके सभी जो डिपार्टमेंट हैं टेक्निकल रहने वाले हैं। इनकी पोजीशन की बात करें तो इंजीनियरिंग फंक्शनिंग की एक वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो अदर फंक्शंस में जो नॉन टेक्निकल आप लोग स्टाफ कह सकते हो, जिसके अंदर फाइनेंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट ह्यूमन, नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम और लास्ट आपका लीगल डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इवन कैटेगरी की बात करेंगे तो इवन कैटेगरी में अपन देखेंगे तो मैकेनिकल की 9 है, इलेक्ट्रिकल के 7 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 है। तो इस प्रकार से आप लोग इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट आपको डिस्कस कर सकते हो। इसको मैं वीडियोस में कंप्लीट डिस्कस कर दूंगा तो आप लोग आराम इजी से वीडियो देख सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे इसी जो नोटिफिकेशन में कि इसके पास इम्पोर्टेंट डेट कौन सी रहने वाली है, तो आपको मैं बता दूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप करोगे तो ये 20 मार्च 2020 से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 24 अप्रैल 2020 इसके लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी में तो आपके जो कैंडिडेट्स होंगे, जो भी कैंडिडेट्स आपके होंगे, विल बी ऑफर्ड द मिनिमम बेस लेवल ऑफ पे एंड कंपनसेशन विल बी इंक्लूड द बेसिक पे डेयरनेसेस अलाउंसेस हेयर HRA एंड अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस एज पर द कंपनी रूल्स आपको यहाँ पे गिवन होंगे, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन चलेंगे तो उसके अंदर अपन देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे अपने पास में जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आप लोग देख सकते हो, ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में जो वैकेंसी है उसके लिए अपने पास में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको कंप्लीट यहाँ पे फुल डिग्री आपको चाहिए, यानी फुल ड्यूरेशन आपकी डिग्री में होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस डिग्री यहाँ पे नहीं चलेगी। कंप्लीट आपके पास रेगुलर कोर्सेस यहाँ पे होना चाहिए इन डिसिप्लिन में जो मैंने आपको डिस्कस किया। आगे देखते हैं जॉब डिटेल्स में, तो ये जॉब डिटेल्स अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर की किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाली है, तो यहाँ पे सेक्शन की बात करें तो E1, E2, E3 और आपका लास्ट E4 के रूप में यहाँ पे दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर का कंप्लीट फुल इंजीनियरिंग कोर्स आपको चाहिए इसी फील्ड्स में, मैकेनिकल में, तथा तो आपके पास में 50% और जो 60% मार्क्स हैं वो गेट होने चाहिए ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर्स में। E2 के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाला हुआ है, तो आप लोगों के पास में मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट
पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आप लोग पोस्ट भरोगे उसी पोस्ट के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो आप लोग देख सकते हो इसको। नेक्स्ट E3 E4 के लिए आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस देख सकते हो, ये अपने पास में था। इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, जो अपने पास में इसी के आगे जो है सेकेंड में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपके पास में क्या रहने वाला है। ये आपके पास में इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जिसमें कंप्लीट आपका सेम दे रखा है। आपके पास बेसिक 4 ईयर्स का फुल इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद 3 ईयर का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या वर्किंग करनी होगी, किस प्रकार से वर्किंग करनी होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का, सेम आपका 4 ईयर का फुल ईयर आपके पास में इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स का, तो ये अपने पास में था। नेक्स्ट हम चलेंगे जॉब रोल ऑफ सिविल इंजीनियर का। यहाँ पे सिविल इंजीनियर का जॉब रोल क्या रहने वाला है और सिविल इंजीनियर का जो रोल है वो किस प्रकार से यहाँ पे होगा। सेम आपका जो ग्रेजुएशन है 4 ईयर्स का, यहाँ पे फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर कोर्सेस होना चाहिए, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी एक अथराइज होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स का आपको पोस्ट रिलेवेंट का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आगे अपन चलेंगे नेक्स्ट, अपने पास में फायर सेफ्टी के लिए सेम यहाँ पे रहने वाला है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech होना चाहिए इसी फील्ड्स में, फायर एंड सेफ्टीज में, फिर ही आप लोग यहाँ पे ये एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आगे अपन चलेंगे नेक्स्ट, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है, आप लोग ये भी देख लीजिए मेन नोटिफिकेशन पे, जो मैंने आपको वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस भी किया है। आगे आपके पास में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेकेंड डिपार्टमेंट था फाइनेंस, और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज उसके अंदर आप लोग देख सकते हो जो नॉन टेक्निकल वैकेंसीज है, उसके लिए आपके पास CV के अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए HR में, जिसके लिए 2 ईयर्स का फुल ईयर आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो जॉब रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आपके पास में 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद में आपका MCA भी यहाँ पे एलिजिबल है, तथा MBA भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है, यानी एग्जामिनेशन के लिए फिलअप फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। आगे हम स्लाइड्स में चलेंगे तो जॉब रोल लीगल्स के लिए क्या जॉब रोल रहने वाला है, तो आप लोगों को पास 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड्स में, और आफ्टर द ग्रेजुएशन 5 ईयर कोर्स इन द लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद में आपके पास 60% से यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपको एडवोकेट के फॉर्म में होना चाहिए। प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे टोटली आपके पास में 1 ईयर का प्रोविजन आपको रहने वाला है। आप लोगों का 1 ईयर्स के लिए आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगी, उसका 1 ईयर का प्रोविजन आपको यहाँ पे डाला गया है। प्लेसमेंट पोस्टिंग आपकी बात करें तो डिपार्टमेंट में आपको दी जाएगी, जो भी डिपार्टमेंट है, और जिसके अंदर आपके पास में नाइट शिफ्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होगी, यानी आपको नाइट को भी वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा आपको जो भी बनेगा ये आपको पे करेंगे। उसके बाद पोजीशंस की बात करें तो आप लोग ये पोजीशन यहाँ पे देखें तो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं इसकी रिटन टेस्ट की, जो आप लोग क्वालिफाई यहाँ पर करोगे तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे मेन जो स्क्रीन पर है, ये रिटन टेस्ट मैंने आपको दिखा रहा हूँ जो मेन स्क्रीन पर यहाँ पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हो ये रिटन टेस्ट है। और ये आपके पास में ग्रुप टास्क है और पर्सनल इंटरव्यूज़ है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो गए। रिटन टेस्ट की बात करें तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% चाहिए ऑल कैटेगरीज़ के लिए, क्वालिफाई मार्क्स आपको चाहिए आपके पास 60% अनरिजर्व को होने चाहिए, बाकी आपको 54 होना चाहिए अदर कास्ट में। तो ये अपने पास में कुछ इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है जो आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ कैटेगरीज में आपको यहाँ पे पोस्ट जो है वो नरेट कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगली स्लाइड्स में देखते हैं तो इसके अंदर पोजीशन और उसकी कैटेगरीज है। आगे देखते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है। कम्प्लीटली आपकी पेमेंट की बात करूँ तो आप लोगों को पेमेंट जो पे करना होगा 500 रुपये करना होगा, चाहे OBC हो चाहे आपका अनरिजर्व हो, बाकी जो है बाकी जो हैं उनके लिए आपके पास PWD कैंडिडेट कैन बी एग्जेम्प्टेड, इनके लिए यहाँ पे
पेमेंट नहीं लिया जाएगा, जिसमें एस सी एस टी भी इंक्लूड है। आगे अपन चलेंगे तो सेम आपका डिटेल दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म को, ये अपने पास में लास्ट था। तो ये मैंने जो प्रेस नोट्स है, जो आपका मेन फुल एडवर्टाइजमेंट है, उसको मैंने डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। तथा तो वीडियोज़ के लिए देखने के लिए आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स हम हमारे कारोबार मिस्टी के ऑनलाइन पोर्टल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आशा करेंगे आप लोग हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, धन्यवाद।